हाथ पैर बेवजह कांपते हैं तो रात को खाना खाने के बाद एक लौंग चबाकर गर्म पानी पी लें, कुछ ही दिनों में आराम मिल जाएगा। दूध में मखाने उबालकर खाने से हाथ पैर, घुटनों और कमर का दर्द ठीक रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और खून की कमी भी नहीं होती है। सेब का छिलका उतार के नमक लगाकर सुबह खाली पेट खाने से पुराना सर दर्द खत्म हो जाता है। एक गिलास पानी में पान के पत्तों को उबाल कर पी लें, इससे छाती में जमी बलगम दूर हो जाएगी और इससे खांसी में आराम मिलेगा। प्याज के रस में शक्कर डालकर शरबत बनाकर 10 से 15 दिनों तक सेवन कीजिए, पत्थरी गलकर बाहर निकल जाएगी। कुकर में बनी दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुकर में सिर्फ दाल गलती है जबकि पकती नहीं है, जिससे एसिड प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी शराब पीने की इच्छा करें, एक चम्मच शहद में अदरक के रस की 2 से 3 बूंदें मिलाकर सेवन करें, इससे शराब पीने की इच्छा तुरंत मर जाएगी। क्या आपको पता है, सोयाबीन को 2 घंटे भिगोकर मसलकर जहरीले जाग निकालकर ही उपयोग करना चाहिए। मखाने खाने से शरीर में शुगर रोग खत्म होता है, क्योंकि इसको खाने से शरीर में इंसुलेशन बनता है, जिससे आप शुगर से निजात पा सकते हैं। 40 दिन तक 7 बादाम मिश्री सौफ प्रत्येक 10 ग्राम पीसकर रात को गर्म दूध के साथ लेने से मस्तिष्क की दुर्बलता दूर होती है। भोजन के साथ कच्ची हरी मिर्च खाना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि कच्ची हरी मिर्च खाने से चेहरे के दाग धब्बे खत्म होते हैं। सरसों के तेल में नमक मिलाकर मालिश करने से छाती में जमी हुई बलगम की गांठें निकल जाती हैं। आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली सब्जी कंटोला है। यह एक ऐसी सब्जी है जो मीट चिकन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर और प्रोटीन से भरपूर होती है। इसे खाने से कई सारी समस्या ठीक होती है। डायबिटीज के मरीजों को दूध के साथ काजू खाने चाहिए, क्योंकि दूध और काजू दोनों का सेवन करने से शुगर लेवल कंट्रोल होता है। एक नींबू को आधा काटकर उसमें कुछ लौंग लगा लीजिए और इन्हें घर के सभी कोनों में रख दीजिए। ऐसा करने से एक भी मच्छर नहीं आएगा। एक चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काटकर 2 गिलास पानी में उबाल लें और पानी ठंडा होने पर उसे पी लें। गुर्दे की पथरी साफ हो जाएगी। रात को सोने से पहले नाभि पर सरसों का तेल लगाने से पेट संबंधी बीमारियां दूर होती हैं और होंठ फटना भी बंद हो जाएंगे। देसी घी में काली मिर्च मिलाकर गर्म दूध के साथ पीने से आंतों में रूखा मल नरम और ढीला होकर बाहर निकल जाता है। आपके हाथ पैरों में अगर बहुत दर्द होता है तो इसकी वजह चाय है। चाय का असर हमारी हड्डियों पर पड़ता है। मूंग में मांस से कई गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यदि आप लगातार इसका सेवन करते हैं तो शरीर ताकतवर और मजबूत बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सबके लिए नए नए वीडियोस उपलब्ध कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सर्च करें। चैनल का नाम गायत्री शक्तिपीठ राजनांदगांव है। आप सबको इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।